हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर वीडियो लेक्चर क्लासेस। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। व्हाट इज इन्फिल्ट्रेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एंड इट्स डिपेंडेंसी ऑन वेरियस फैक्टर्स। हमने पिछली क्लास में देखा था कि इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या है, वो इन्फिल्ट्रेशन जो है उसकी कैपेसिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। आज हम देखेंगे मेज़रमेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन हो तो रहा है बट हम उसको मेज़र कैसे करें, तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो मेजरमेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन रेट्स आर रिक्वायर्ड इन मेनी हाइड्रोलॉजिक प्रॉब्लम सच एज रन ऑफ एस्टिमेशन। इन्फिल्ट्रेशन सबसे पहले तो मैंने ये बताया, हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो हम क्यों पढ़ते हैं, हमें वो पता होना चाहिए। तो इन्फिल्ट्रेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि जैसे हमारे पास रन ऑफ एस्टिमेशन करना है हमको, तो हमको पता होना चाहिए ना कि कितना रेनफॉल हुआ, कितना ज़मीन के अंदर चला गया, कितना इन्फिल्ट्रेट हो गया। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। हाइड्रोलॉजिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको इन्फिल्ट्रेशन मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रन ऑफ का एस्टिमेशन करना है, कितना रन ऑफ हो गया। रन ऑफ मतलब ओवरलैंड फ्लो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर बजटिंग के लिए हम इन्फिल्ट्रेशन देखते हैं, कितना इन्फिल्ट्रेशन है। हाइड्रोलॉजिक प्रॉब्लम है ये भी एक। और इरिगेशन, इरिगेशन हमें कितना करना है, हम किसी भी क्रॉप का इरिगेशन जो उसको देते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन हमें चाहिए, वो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा मॉइस्चर कंटेंट कितना है सॉइल का। तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से पता चलेगा, मेजरमेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन से पता चलेगा, ठीक है। इरिगेट कर रहे हैं हम, उस सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी है, वो कितना इन्फिल्ट्रेट कर जा रहा है वाटर को, तो उसके हिसाब से हम उसको इरिगेट करेंगे। जिसका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा है तो क्या करेंगे, उसमें ड्रिप इरिगेशन लगाएंगे। जिसका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम है तो उसमें हम ड्रिप इरिगेशन नहीं लगाएंगे। जैसे कि हमारा जो क्ले सॉइल होता है उसमें इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम होती है, और वहीं पे अगर सैंडी सॉइल होती है उसमें इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर वहाँ पे अगर किसी क्रॉप को लगा रहे हैं, राइस को छोड़ के वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन नहीं दे सकते हम। तो देयर आर टू जनरल अप्रोचेस टू द डिटर्मिनेशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन रेट। इन्फिल्ट्रेशन रेट को जानने के लिए दो मेथड है। वन ऑफ दीज अप्रोचेस एनालिसिस आर द ऑब्जर्व्ड रेनफॉल हाइड्रोग्राफ। एक तो हाइड्रोग्राफ एनालिसिस से हम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, रन ऑफ हाइड्रोग्राफ फ्रॉम अ स्मॉल प्लॉट और अ नेचुरल वाटर सेट टू एस्टिमेट द इन्फिल्ट्रेशन रेट्स। एक रन ऑफ हाइड्रोग्राफ भी होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, उससे भी हम उसको इन्फिल्ट्रेशन रेट को मेजर कर सकते हैं। एक इन्फिल्ट्रोमीटर होता है जिसके द्वारा हम इन्फिल्ट्रेशन मेजरमेंट लेते हैं। द इन्फिल्ट्रोमीटर ऑलवेज गिव्स द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी रेट एंड द इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम सच इन्फिल्ट्रोमीटर टेस्ट। जब हम इन्फिल्ट्रोमीटर टेस्ट लगाते हैं तो वो हमको क्या देता है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी देता है। एट वेरियस लोकेशन इन द बेसिन मे गिवन अ फेयरली सेटिस्फैक्ट्री एस्टिमेट। बहुत हद तक हमें ये सही सही रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। इन द हाइड्रोग्राफ एनालिसिस मेथड द एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन रेट कर्व इज ऑब्टेन। हम जब हाइड्रोग्राफ का एनालिसिस करते हैं तो हमें एक कर्व मिलता है जो कि इन्फिल्ट्रेशन रेट कर्व होता है, उससे हम
ठीक, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन मेजरमेंट या इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी सॉइल की क्या है, ठीक है। तो बट द डिराइव्ड एस्टिमेशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इज एन एक्यूरेट एज द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल एंड रन ऑफ फ्रॉम द बेसिन। सो इन्फिल्ट्रोमीटर क्या होता है ये देखते हैं। इन्फिल्ट्रोमीटर आर ऑफ टू टाइप। कितने टाइप के होते हैं इन्फिल्ट्रोमीटर? इन्फिल्ट्रोमीटर कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप। इन्फिल्ट्रोमीटर आर ऑफ टू टाइप। नंबर वन फ्लडिंग टाइप इन्फिल्ट्रोमीटर। एक होता है क्या हमारा फ्लडिंग टाइप इन्फिल्ट्रोमीटर होता है और दूसरा होता है रेनफॉल सिमुलेटर। तो इन फ्लडिंग टाइप द इन्फिल्ट्रोमीटर वाटर इज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ अ शीट यूजिंग विथ अ कॉन्स्टेंट डेप्थ ऑफ फ्लडिंग। तो फ्लडिंग टाइप इन्फिल्ट्रोमीटर में हम ऐसी जस्ट वाटर को इन्फिल्ट्रोमीटर रहता है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से इन्फिल्ट्रोमीटर रहता है। इसको कुछ इसका कुछ पार्ट हम क्या करते हैं, ये क्या है, सरफेस, अर्थ सरफेस है ये, ठीक है। इसका कुछ पार्ट क्या करते हैं हम अर्थ के अंदर इसको क्या करते हैं बरी कर देते हैं, बरीड कर देते हैं, मतलब इसका कुछ पार्ट अर्थ के अंदर गाड़ देते हैं और उसके बाद में फिर हम इसके अंदर वाटर पोर करते हैं, ठीक है। इसी को हम फ्लडिंग टाइप बोलते हैं, ठीक। द दे मे यूज अ सिंगल रिंग और टू रिंग टू डेलिनेट द सैंपल एरिया। हम किसी भी एरिया का सैंपल लेते हैं, जैसे ये वाला हमारे पास एक हमारा फील्ड है, यहाँ पे हम क्या करते हैं डिग करते हैं और उसके अंदर इसको बरीड कर देते हैं, मतलब इसको अंदर गड़ा देते हैं। इसमें क्या होता है एक डबल रिंग बेसिन भी होता है, जैसे ये रहता है इसको हम बोलते हैं डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर। मतलब इस रिंग के अंदर ये दूसरा वाला अंदर रहता है रिंग, ठीक है, जिसका सेंटर सेम होता है, ठीक है। तो इन द लेटर केस इट इज कॉल्ड अ डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर। ये वाला कौन सा इन्फिल्ट्रोमीटर कहलाएगा? डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर। इन द रेनफॉल सिमुलेटर वाटर इज अप्लाइड बाय स्प्रिंकलिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट दैट इज इन एक्सेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। जो सेकेंड वन है रेनफॉल सिमुलेटर, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर अपन एक एक करके इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। ये वाला जो है रेनफॉल सिमुलेटर, ये क्या होता है, इसमें हम फ्लडिंग टाइप वाटर इसमें अप्लाई नहीं करते हैं, इसमें क्या करते हैं स्प्रिंकलर के फॉर्म में स्प्रिंकल करते हैं वाटर को, ठीक है, स्प्रिंकलिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट से हम इसमें वाटर क्या करते हैं स्प्रिंकलर करते हैं, ठीक है। तो कितना स्प्रिंकल करेंगे हम उसमें, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जितनी है उससे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन उसमें क्या बोलते हैं स्प्रिंकलिंग करेंगे हम वाटर की जब हम
रेनफॉल सिमुलेटर में क्या करते हैं, ऐसे वाटर को स्प्रिंकल करवाते हैं, ठीक है। तो कितना स्प्रिंकल करवाएंगे हम, उसकी रेट क्या होनी चाहिए, उसकी रेट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, उस सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। एक तो ये बात समझ में आती है। दूसरा ये है कि इन्फिल्ट्रोमीटर्स आर यूज्ड ऑन स्मॉल वाटर सेट और ऑन सैंपल एरिया विद इन अ वाटर सेट। इफ देयर इज अ वाइड वेरिएशन इन सॉइल्स एंड वेजिटेशन, द वाटर सेट इज सब डिवाइडेड इंटू रिलेटिवली यूनिफॉर्म सब एरिया, ईच हैविंग अप्रॉक्सीमेटली अ सिंगल सॉइल कवर कॉम्प्लेक्स। मीन्स यदि हमको किसी भी फील्ड का इन्फिल्ट्रेशन पता करना है, उसकी कैपेसिटी पता करना है, अगर वो लार्ज फील्ड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको स्मॉल फील्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमको सॉइल टाइप देखना पड़ेगा, सॉइल टाइप यूनिफॉर्म होनी चाहिए। जहाँ तक हम कर सकते हैं, हमको ऐसे प्लॉट में डिवाइड करना पड़ेगा कि वहाँ की जो सॉइल है वो यूनिफॉर्म, जो हम ले रहे हैं जिस भी टुकड़े को हम ले रहे हैं उस टुकड़े की सॉइल जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे कि ये हमारा बहुत बड़े एरिया में प्लॉट है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे हम अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे, इसको बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। और डिवाइड भी कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कुछ सैंडी लूम सॉइल है, कुछ इतने हिस्से में, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कुछ इस टाइप से है, ठीक, कुछ इस टाइप से है, कुछ इस टाइप से। ये सॉइल 1, 2, 3, ये 4। तो हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे, हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर सैंडी लूम सॉइल है, हमें पता है कि इस एरिया, ये बाउंड्री है सैंडी लूम सॉइल की, तो हम इसको अलग प्लॉट बनाएंगे और यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी पता करेंगे। हमें पता है कि ये क्ले सॉइल है, हम यहाँ पे ये वाली जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री में एक अलग हम प्लॉटिंग करेंगे और यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी पता करेंगे। ये वाला जो बाउंड्री, हो सकता है कि यहाँ पे सॉइल टाइप हमको कुछ अलग मिले ये वाली बाउंड्री में, तो हम यहाँ पे अलग सॉइल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी पता करेंगे और यहाँ की अलग इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी पता करेंगे। तो जब हम प्लॉट डिवाइड करेंगे तो हम इस टाइप से प्लॉट डिवाइड करेंगे, ओके। अब जो सिंगल टाइप मैंने जो बताया था इन्फिल्ट्रोमीटर, सिंगल रिंग, ये इस टाइप से कुछ होता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तो ट्यूब इन्फिल्ट्रोमीटर भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, ट्यूब इन्फिल्ट्रोमीटर को, दिस इज कॉल्ड ट्यूब इन्फिल्ट्रोमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल सिलेंडर ऑफ डायमीटर 25-30 सेंटीमीटर। इसकी डायमीटर कितनी हो सकती है, 25-30 सेंटीमीटर, ठीक। इट्स डायमीटर हैविंग 25-30 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50-60 मीटर, ओके। लेंथ कितनी हो सकती है इसकी, 50-60 सेंटीमीटर विथ बोथ एंड ओपन। इसकी जो दोनों एंड है वो ओपन रहेगी, इसकी जो लेंथ है कितनी हो सकती है, 50-60 सेंटीमीटर। ओके, विथ बोथ हैंड ओपन।
इट इज ड्रिवन इनटू अ लेवल ग्राउंड सच दैट अबाउट 10 सेंटीमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज अबव द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर कितना होना चाहिए, हम इसको इस तरह से बरीड करेंगे, इसको इस तरह से गाड़ेंगे जमीन के अंदर, शुद्ध हिंदी भाषा में अगर बोले कि इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर का पार्ट कितना ऊपर होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर कम से कम ऊपर होना चाहिए। ठीक है, the surface of the soil inside the ring is protected by placing a perforated metal disc over it। यहाँ पे soil होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे perforated metal disc को हम place करेंगे। perforated metal disc मतलब एक जो आपने देखा होगा जाली होती है, उसमें छेदे बने होते हुए होते हैं, होल बने होते हैं उसमें, तो उसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। ठीक, इसमें क्या बने हुए हैं, ये होल, परफोरेटेड का मतलब ये होता है कि उसमें होल बने हुए। ठीक है, इसके बाद क्या कर सकते हैं, हमने एक प्लेट डाल दिया, सरफेस ऑफ सॉइल इनसाइड द रिंग इज प्रोटेक्टेड बाय प्लेसिंग अ परफोरेटेड मेटलिक डिस्क कवर, ये मेटल की होती है। ठीक है, अ पॉइंटर इज सेट इनसाइड द रिंग टू इंडिकेट द वाटर लेवल। एक पॉइंटर हम यहाँ पे अंदर सेट कर देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक स्विच ऑन और स्विच ऑफ में एक पॉइंटर लगा हुआ होता है, जैसे वो पॉइंटर ऊपर आता है तो स्विच ऑफ हो जाता है, तो इस टाइप से हम एक पॉइंटर लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि हम इसका वाटर लेवल चेक कर सकें कि कितना वाटर इन्फिल्ट्रेट हो गया है। या हम एक स्केल भी लगा सकते हैं यहाँ पे, एक स्केल, ठीक है, ये हम उसकी डेप्थ मेजर कर सकें। तो अ पॉइंटर इज सेट इनसाइड द रिंग टू इंडिकेट द वाटर लेवल करस्पॉन्डिंग टू अ स्टिपुलेटेड डेप्थ ऑफ फ्लडिंग ऑफ यूजुअली अबाउट 5 सेंटीमीटर, और हम उसको मेंटेन करते रहते हैं डेप्थ को, कम से कम 5 सेंटीमीटर डेप्थ हमें मेंटेन करके रखना है। ये हमारे ऊपर है कि हम कितना डेप्थ मेंटेन करके रखें। ठीक है, वाटर इज पोर्ड क्विकली इन टू द रिंग टिल द वाटर लेवल टचेज द टिप ऑफ द पॉइंटर एंड इन्फिल्ट्रेशन इज अलाउड टू प्रोसीड। हम एकदम से इसमें वाटर को पोर करते हैं और एक लेवल तक लेके आते हैं, जिसे हम 5 सेंटीमीटर कह रहे हैं। ठीक है, और इस लेवल तक लेके आने के बाद हम छोड़ देते हैं और इस लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, वाटर डालते रहते हैं उसके अंदर और इन्फिल्ट्रेशन को टू इन्फिल्ट्रेशन को होने देते हैं। ठीक है, एज द वाटर लेवल गोज डाउन इट इज ब्रॉट टू द ओरिजिनल लेवल बाई एडिंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे ही अगर इसका वाटर लेवल कम होता है, हम तुरंत इसमें फिर से वाटर डालते हैं और इसकी रिक्वायर्ड अमाउंट तक लेके आते हैं या रिक्वायर्ड डेप्थ तक लेके आते हैं। द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड एंड द टाइम इंटरवल एट विच दिस वॉल्यूम हैव बीन एडेड आर नोटेड नोट डाउन टू कंप्यूट द इन्फिल्ट्रेशन रेट। और हम टाइम पीरियड देखते जाते हैं कि कितनी देर में ये वाटर नीचे जा रहा है, ये एक टाइम पीरियड होता है ना कि कितनी देर में ये कितना नीचे चला गया, उसको मेजर करते रहते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, अपन ने देखा था इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी सेंटीमीटर पर आवर होता था, यह हम इसको एमएम पर मिनट कर दो। ठीक, इससे हम निकाल सकते हैं, हमें पता चल गया टाइम, कितने टाइम में कितनी डेप्थ तक ये इन्फिल्ट्रेट कर रहा है वाटर, और हम डेप्थ जो है एमएम, ये डेप्थ यहाँ से हमें पता चल जाएगा और हम घड़ी लगा के देख ही रहे हैं कि कितनी देर में ये इन्फिल्ट्रेट हो रहा है। तो हम इसका प्रैक्टिकल भी है अपने को, ये प्रैक्टिकली है, ये जो है ये प्रैक्टिकली है अपना, तो इसको आप प्रैक्टिकल में लिखेंगे। ठीक, ये हमारा प्रैक्टिकल है।
प्रैक्टिकल है अपना, ठीक है। तो हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर मेज़र कर लिया, या डेप्थ जिसको हम बोल रहे हैं, डेप्थ ऑफ वाटर मेज़र कर लिया, और हमें टाइम पता चल गया, हम इन्फिल्ट्रेशन उसका रेट निकाल सकते हैं। अलग अलग सॉइल का जैसे मैंने बोला था इन्फिल्ट्रेशन रेट अलग अलग होता है। द ऑब्जर्वेशन आर कंटिन्यूड टिल ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इन्फिल्ट्रेशन रेट इज ऑब्टेन। हम ऑब्जर्वेशन तब तक लेते जाएंगे जब तक कि हमको यूनिफॉर्मली इन्फिल्ट्रेशन रेट नहीं हमको मिल जाती। और ये कितने देर में हो सकता है, यूनिफॉर्म रेट कितने देर में आ सकती है, दिस इज 3 to 6 hours, ठीक है, 3 to 6 hours में ये आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप, सॉइल टाइप पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। एक मेजर ड्रॉबैक इसमें ये है ट्यूब इन्फिल्ट्रोमीटर में कि जो इन्फिल्टर्ड वाटर जो है वो परकोलेट्स लेटरली एट द बॉटम ऑफ द रिंग, ठीक है, यहाँ से ये इधर जाने लग जाता है पानी, ठीक। ये तो लेटरल जो मूवमेंट होता है साइड में, जो मूवमेंट लेटरल मतलब साइड में जो मूवमेंट होता है वाटर का, एक इसका ये ड्रॉबैक है, ठीक है। दस द ट्यूब इज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंटिंग द एरिया थ्रू विच द इन्फिल्ट्रेशन इज टेकिंग प्लेस। दिस ड्रॉबैक इज रेक्टिफाइड टू अ लार्ज एक्सटेंड इन द डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर। इसी ड्रॉबैक को हमने रेक्टिफाई करने के लिए डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।